नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। आपको बता दें कि मिर्जापुर जौनपुर रोड पर लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर हो रहे सड़क निर्माण में जमालापुर जोगापुर के पास एक जेसीबी और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसमें बताया जा रहा है दशरथ गौतम जो पूर्व प्रधान थे जोगापुर के, उनकी दुर्घटना में थोड़ी बहुत चोटिल हुई है। आपको बता दें फिलहाल उनको सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आगे की जानकारी जनता और हमारे संवाददाता जनता के द्वारा राय ले रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं कि मामला आखिर क्या था, उनके ही द्वारा सारी रिपोर्ट की जानकारी हम आपको बताते हैं। फिलहाल देखिए आगे की रिपोर्ट संवाददाता योगेश पांडे के द्वारा। ये देखिए जमालापुर, कौन सा जगह है, जोगापुर के पास ये सड़क निर्माण हो रहा है PWD का, और एक बाइक है जिसके ऊपर यहाँ लोग बताने वाले हैं कि जानबूझकर उनके ऊपर जेसीबी चढ़ाया गया, ऐसा कुछ कहना है लोगों का। आइए, कुछ लोग हैं यहाँ। आप, क्या नाम है आपका? अमन नाम है हमारा। क्या 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 मैटर है, मतलब कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या कैसे? इतना कंफर्म बता नहीं सकते यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देख रहे हैं गाड़ी लड़ गई है और देख रहे हैं। अच्छा, लड़ गई है, मतलब चोट वोट आई है? किसकी गाड़ी है? ये दशरथ प्रधान जोगापुर के। चोट वोट आई है? चोट भी आई है। अच्छा, चोट भी आई है। जेसीबी बच गया तो गाड़ी छोड़ के कूद पड़े। अच्छा, जेसीबी थी। जेसीबी वहाँ से बैक करके कम से कम 50-60 के स्पीड में बैक करके आ रहा था। अच्छा, और टर्न लेके जेसीबी 50-60 की स्पीड में टर्न लेके। अच्छा। प्रधान जी टर्न लेके अपने घर जा रहे थे सब्जी लेके। प्लेन करने वाली जो जेसीबी है। ये देखिए, ये जोगापुर स्थान है जहाँ पर ये PWD का जो मेन रोड है भदोही से जौनपुर, यहाँ पर निर्माण कार्य प्रगति पे है। बताने वाले बता रहे हैं यहाँ पर कि जोगापुर के पूर्व प्रधान, क्या नाम बताया आपने? दशरथ गौतम जी के गाड़ी को ऊपर जेसीबी चढ़ गई। पीछे। अच्छा, यहाँ देखिए गांव काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं और ये गाड़ी रही। आने वाला भी नया लग रहा है। ये देखिए गाड़ी नंबर है, हीरो होंडा की गाड़ी है। और चोट बताने वाले बता रहे हैं कि पूर्व प्रधान दशरथ गौतम को चोट लगी हुई, उपचार के लिए वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। गांव वाला का भीड़ है।